थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। बाइक अभी स्टार्ट नहीं हो रही है, बाइक जो इंजन है बहुत ज्यादा। भाई खड़ी खड़ी गिर गई भाई की, भाई खड़ी वाइजर टूट गया है। भाई टूट गया, ये टूट गया वाइजर, यही टूट हाँ, नुकसान। इतने बंदे चलाएंगे क्या? नहीं देखा है ना, तो आप जो है देखना भी। तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि मैंने बताया था, हमें शानगढ़ में, तो जो अभी मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूँ ना, इतना ज़बरदस्त व्यू है, और मैंने नहीं देखा पहले इतना अच्छा व्यू, तो आपको दिखाता हूँ, आप भी देखो। फिलहाल तो स्नोफॉल होनी बंद हो गई है, सुबह सुबह 5 बजे जब हम उठे थे, आपने देखा होगा, तो जब हो रही थी, अभी स्नोफॉल होनी बंद हो गई है। बादल है, मे बी हो भी सकती है, पर व्यू वो काफ़ी बहुत ही अच्छा लग रहा है, ट्रैफिक है बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो थोड़ा सा व्यू देखो। मतलब कि इतना अच्छा व्यू है ना, क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा व्यू मिलेगा, पर मिला। इतना अच्छा व्यू है ना, सोचा नहीं था। और दूसरी चीज़, नीचे चल गए हैं बाइक के पास, बाइकों पे स्नो जमी हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कितनी अच्छी लग रही है। और वो नीचे खड़ी हुई हैं हमारी बाइक्स, वहाँ पर मैं भी शायद दिख रही होंगी, तो वहाँ जा रही हैं अभी बाइक तक। और व्यू दिखाते हैं बाइक के पास से आपको, मतलब सारी तरफ ना वाइट 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 हो रखा है, मतलब कि ऐसी चीज़ जब मिल जाती है ना, जो एक्सपेक्ट नहीं किया होता, और चीज़ मिल जाती है वहाँ पे, तो बंदे के दिल को इतनी खुशी होती है ना भाई साहब, इतनी खुशी होती है कि ज़बरदस्त वाली। तो चलो चलते हैं थोड़ा सा बाइक के पास, और आपको बाइक का व्यू दिखाता हूँ। तो फिलहाल हम जा रहे हैं बाइक तक, पूरी बर्फ जमी हुई है। किधर से जाना है भैया? इधर से, पूरी बर्फ जमी हुई है भाई साहब, देखो सीढ़ियाँ कहाँ हैं आगे? सीढ़ियाँ होगी कहीं ना कहीं, अरे आराम से आराम से। भैया कहाँ से हैं सीढ़ियाँ? इनके टायर इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना देखने में, मतलब देख देख कैसे लग रहा है, इसको ऐसे कैसे लगा के दिल्ली ले जाए, दिल्ली तक बचे के लिए तो ले जाते हैं ऐसे कैसे। देखा आपने व्यू कैसा था, इतना ज़बरदस्त व्यू था। और अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे पराशर लेक के लिए, पराशर लेक जाएंगे, वहाँ भी स्नोफॉल हो रखी है, देखते हैं ट्रैक कितना करना पड़ेगा, तो वहाँ जाते हैं, तो वहाँ भी देखते हैं। देखो सारे एंजॉय कर रहे हैं नीचे बाइक के पास। ये प्रिया मैम जो फर्स्ट टाइम स्नो पे आई हैं राइड करने के लिए, और अब धीरे धीरे सनराइज हो रहा है, सामने आपको हिल्स के ऊपर दिख रहा होगा सनराइज होता हुआ। तो अभी हम चलेंगे किचन में भैया के पास, और तो बाइक पे डालेंगे गर्म पानी, उसके बाद उसको स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज बाइक स्टार्ट नहीं होगी, ठंड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर माइनस में है। नीचे वो देखो सौरभ भाई खड़े हैं, हाथ हिलाते हुए दिख रहे होंगे, एंजॉय करते हुए। थोड़ा जोर से बोलो, ये है भाई हमारी बाइक, थोड़ा जोर से बोलो, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, लेट्स गो। सिद्ध भाई किसका फर्स्ट फर्स्ट टाइम है स्नो में? हाँ सबका ही फर्स्ट टाइम है स्नो में। मेरा, मैं जब वहाँ गया था स्पीति, तो मुझे स्नोफॉल फर्स्ट टाइम देखा था, आज मेरा सेकंड टाइम है, बट ऐसा इतना तो मुझे वहाँ भी नहीं दिखा था। यहाँ भी स्नो में बहुत अच्छा बनेगा। तो अभी सनलाइट आई है,
जब बर्फ के ऊपर स्नो के ऊपर सनलाइट पड़ रही है ना, इतनी बढ़िया शाइन आ रही है, सामने हिल्स के ऊपर दिख रहा होगा। और एक ये मंदिर है सामने पीछे, ड्यू टू स्नो मैं नहीं जा पाऊँगा, मेरे पास स्नो वाले बूथ नहीं है। और एक ये वाला मंदिर है पीछे, ये रहा आपको दिख रहा होगा ये वाला, और एक वो मंदिर है। ये सारे मंदिर हैं, इस इनका रास्ता नीचे से है और इसका रास्ता गांव से है, तो हम नहीं जा पाएंगे। बाकी आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा स्नो है, ये देखो, तो स्नो की वजह से हम नहीं जा पाएंगे। अभी हम चलते हैं भैया के पास किचन में, देखते हैं भैया हमारे लिए ब्रेकफास्ट में क्या बना रहे हैं। ये है किचन। हेलो भैया। हेलो। ये भैया जिनके पास हम रुके हैं, तेजा भैया आपका नाम है ना, तेजा होम से है, शानगढ़ आओ तो भैया के पास रुकना, बहुत बढ़िया पर्सन है। खाना वाना केस वेस बहुत अच्छा था। नंबर इनका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो कांटेक्ट करके आप यहाँ आ जाना। और भैया यहाँ के बारे में बताओ कुछ। यहाँ के बारे में क्या बताऊँ, कुछ भी बता दो। किस चीज़ के लिए फेमस है शानगढ़? शानगढ़ तो ज़्यादा इस मैडो में फेमस है, मैडोज में, जो मैडो है और मंदिर है जो का यहाँ का वातावरण है। अच्छा, तो उसमें लोग तो यहाँ पे खेती वेती होती है? खेती तो हर चीज, जैसे हमारे गेहूं की खेती होती है, हाँ। राजमा की होती है, हाँ। मक्की की होती है, हर सब्जी गोभी। तो जो आप खाना बनाते हो सारा यहीं का खेती का ही बनाते हो? हाँ, जो रोटी वगैरह होती है वो अपनी खेती की होती है, हाँ। और चावल हमारे जैसे बाजार से जाते हैं, हाँ। वो यहाँ उगते नहीं है। बाकी जो मोस्टली फूड है हाइजेनिक है, यहीं पे उगता है और यहीं पे बनाते हैं भैया। तो आना भैया के पास कभी, जब भी शानगढ़ आओ तो भैया के पास रुकना। ये देखो पानी कैसे जमा हुआ है, ये नल है, नल के ऊपर हल्का हल्का पानी आ गया, ये जम गैप होगा ठंड की वजह से। तो अब देखो धूप आ गई है तो स्नो कैसे शाइन कर रहा है। ये भैया हमारे दिल्ली से हैं, ये भी ये अपनी जल्दी से अपना यहाँ पे एक स्टे ओपन करने वाले हैं, बस तलाश देना है। तो भैया के पास भी आना, स्टे ओपन हो जाएगा, बहुत सारी फैसिलिटीज, खाना वाना बहुत अच्छा मिलेगा। क्या नाम है भैया स्टे का? लास्ट शैलेट। द लास्ट शैलेट। तो भैया के पास आना। तो अभी हम जाएंगे पराशर लेक। पराशर लेक बहुत ही खूबसूरत लेक है और वहाँ पे भी स्नोफॉल हुई है, तो पूरी लेक फ्रोजन हो चुकी होगी। तो लेक का व्यू कैसा होगा इसको देखने के लिए वीडियो पे बने रहे। बाइक पे मैंने अपने सामान बांध दिया है, पीछे आप देख रहे हो, अभी दूसरी बाइक से इन पे सामान बंधेगा, अभी इनको साफ़ करेंगे, सामान बंधेगा। तो थोड़ी थोड़ी सनलाइट आने लग गई है और जैसे सनलाइट आती रहेगी तो ये स्नो धीरे धीरे मेल्ट होती रहेगी, मेल्ट होएगी तो ये कीचड़ बन जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बाइक अभी स्टार्ट नहीं हो रही है, बाइक जो इंजन है बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो अभी इस पर हम डालेंगे गर्म पानी। तो ये पूरी बर्फ़ है, दो भैया थोड़ा सा धक्का, यहाँ से हम बाइकें निकाल रहे हैं, सांस चढ़ी पड़ी है बहुत ज़्यादा, ऊपर से फ्यूल भी नहीं है बाइक में। अभी ये बर्फ हटाई है रास्ते से तो थोड़ा सा वो पड़ा है। एक मिनट भैया, एक मिनट। ये टूट गया वाइजर, हाँ नुकसान। चलो भाई उठवाओ यार, इधर से आओ, यहाँ से पैर भी फिसल गए हैं ना। इतने बंदे चलाएंगे क्या? पकड़ूंगा भी भाई, खड़ी खड़ी गिर गई भाई की, भाई खड़ी के भाई से टूट गया है, भाई टूट गया भाई, खड़ी हुई स्किड हो गई। तो फाइनली स्नो हमने क्रॉस करी है, इसके बाद देखते हैं कितनी और है और फिर आगे चलेंगे, नुकसान हमने कर लिया अपना। ओके भैया, तो अभी क्या है कि ये 7-8 किलोमीटर का जो स्ट्रेस है ना, यही कंप्लीट नहीं हो रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो है। तो अभी हमने बाइक पे रस्सी बांधी है और उससे थोड़ा फ़र्क तो पड़ा है, बट फिर भी पैर स्लिप हो रहे हैं, पैर रखने की जगह नहीं है, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए हम धीरे। तो ये मैडम लेके आ गई हैं बाइक, स्किड हो रही है, सुबह से हमने 4-5 किलोमीटर कवर किया 3-4 घंटों में,
इतनी स्नो है, इतनी स्नो है, टायरों पे रस्सी बांधी है, जब भी बाइक नहीं रुक रही है, फिसलती है तो फिर फिसल जाती है, ब्रेकर मारने पे भी नहीं रुक रही है। तो देखते हैं अभी कहाँ तक जा पाते हैं, फिर उसके हिसाब से आगे प्लान करेंगे। सबकी बाइकें धक्के मार मार के चल रही हैं, गाड़ी बहुत बहुत फिसलती है। ओए गई 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 हबले इसकी। एक मिनट, हाँ, टू वन वन। अंकुर बाबा मजा आ रहा है, एडवेंचर हो रहा है। अच्छा हाँ, यही एडवेंचर है। जो टूरिस्ट आए हैं वो खुद ही रोड साफ करने को लगे हुए हैं। बाइक इतनी फिसल गई है, एक और नुकसान हो गया बाइक का मेरी छोटा सा। ये देखो ये वाला लीवर है रियर ब्रेक का, वो टूट गया हाथ में है मेरे हेरा। तुम कहाँ गिरे जा रहे हो भाई? तो फाइनली हम नीचे उतर चुके हैं, रात के 6:30 बजे, पूरा अंधेरा हो रखा है, 6:30 हुए हैं अभी टाइम, और हमने यहीं पे होटल ले लिया है। हम यहीं पे रुकेंगे आज, आगे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ से अब आगे जाना बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी बाइक का रियर ब्रेक का लीवर भी टूट गया है, जिसकी वजह से मुझे बाइक चलाने में दिक्कत हो रही है। और बाकी राइडर्स सुबह से दोपहर के 2 बजे से सेम ट्रैक पे चल गए हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम शानगढ़ में थे, शानगढ़ से हमने पराशर जाना था, तो पराशर हम नहीं जा पाए। रीज़न ये था कि शानगढ़ में कल सुबह रात सुबह के 4 बजे के आसपास स्नोफॉल शुरू हुआ था, और वो स्नोफॉल सुबह के 7 बजे तक अप्रोक्सीमेट होता रहा, तो कम से कम 6-7 इंच की बर्फ़ जम गई थी। तो जिस वजह से हमने जब शानगढ़ से नीचे उतरने के लिए स्टार्ट किया आने के लिए, तो जो 7-8 किलोमीटर का जो पैस था शानगढ़ जो ऊपर हाइट पे था, जो 10 किलोमीटर का पैस था, वो जब हम नीचे उतर रहे थे तो उस पर बहुत ज़्यादा स्नो थी, और वो स्नो थी स्लीपी वाली, जो जिसकी वजह से कोई भी बाइक उस पर चल नहीं रही थी। हमने बाइक के टायर पर रस्सियाँ भी बांधी थी पर नहीं चल पा रही थी। तो फिर हम जैसे तैसे 5-6 घंटे लगे हमें नीचे उतरने में। तो जैसे हम नीचे उतरे तो फिर हमने नीचे आके रूपा में आके हमने स्टे लिया। तो ये जंगल कैंप है, जंगल का जो फॉरेस्ट रिजोर्ट है, जहाँ पे हमने स्टे किया रात को, और फिर हम रात को यहीं पर रुक गए थे। और आज का हमारा जो प्लान है, अभी हम पराशर तो नहीं जाएंगे, पराशर का हमारा कैंसिल हो गया, पराशर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो आज है जो आज हम जाएंगे जीबी के लिए, जीबी के लिए अभी बस 1 घंटे में निकलेंगे, पैकिंग वैकिंग डन है। और यहाँ का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ।